प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक के बाद एक शिकायत दर्ज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में टीएमसी ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है। कल यानी 18 मार्च को टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी पर चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल पीएम मोदी 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले की चिलकल रूपेट विधानसभा में एक रैली के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। इस पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग के पास शिकायत की है, जिसकी कॉपी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय यह चेतावनी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। साकेत गोखले ने लिखा कि चुनावी कैंपेन के लिए बनाए गए नियम राज्य मशीनरी का उपयोग करने पर रोक लगाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी को भी इसी कारण से अयोग्य घोषित किया गया था। गोखले ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी ने वायुसेना का हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था तो चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। साथ ही ये भी बताना चाहिए कि क्यों एयरफोर्स का चॉपर इस्तेमाल किया गया। टीएमसी सांसद गोखले ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब चुनाव चल रहे हों और आचार संहिता लागू हो तो अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इसलिए पीएम मोदी पर चुनाव आयोग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जाँच या कोई कार्रवाई शुरू करता है या नहीं। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी शिकायत करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। डेरेक ने कहा कि इससे साफ है कि पीएम की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ है। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे स्वरमय टाइम्स। मैं थी आपके साथ कुमुद मिश्रा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।